हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे पहले हमने हमारा चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप उसे देख लें। चैप्टर समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते क्या हैं। नॉर्मली हम डेली अपनी लाइफ में क्या देखते हैं, हमारे आसपास कई सारे इंसान हैं, कई सारे जानवर चलते फिरते रहते हैं, कई सारे प्लांट्स हमारे अगल बगल एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, हम कई छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी देखते हैं, मॉस्किटोज़ देखते हैं, फ्लाइज देखते हैं, एंट्स देखते हैं। पर बच्चों, हमारे आसपास ऐसे भी ऑर्गेनिज़म्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि माइक्रोस्कोप। ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जिनकी साइज़ इतनी ज़्यादा छोटी हो कि हम उन्हें नॉर्मली नेकेड आई से नहीं देख सकते, उन्हीं ऑर्गेनिज़म्स को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के अलावा उनके लिए एक और टर्म इस्तेमाल होता है, माइक्रोब्स का। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म और माइक्रोब्स दोनों ही टर्म ऐसे ऑर्गेनिज़म्स के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिनकी साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी हो और वो नॉर्मल आँखों से देखे नहीं जा सकते हैं। समझ में आई बात? अब हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को कितने ग्रुप्स में बांटा गया है? आपको क्लास 8 की लेवल पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को 4 ग्रुप में बांटकर दिखाया गया है। क्लासिफाई कितने ग्रुप में किया गया है? 4 मेजर ग्रुप में किया गया है। पहले ग्रुप का नाम है फंजाई, फिर है प्रोटोजोआ, एल्गी और बैक्टीरिया। अब एक जो कॉमन नाम हमें सुनने को मिलता है, वायरस। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, वायरस जो है वो भी तो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते, तो उन्हें इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया? 5 ग्रुप बना सकते थे, वायरस को भी ऐड कर देते, इसको बेचारे वायरस को बाहर क्यों कर रखा है? इसके पीछे भी रीज़न है। वायरस जो है वो साइंस की दुनिया में बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। क्यों डिबेटेबल टॉपिक है? क्योंकि वे वायरसेस जो हैं ये आप लिविंग ऑर्गेनिज़म की कैरेक्टरिस्टिक भी शो करते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करते हैं। जैसे जब ये बाहर होते हैं इन्वायरमेंट में ऐसे ही पड़े हुए होते हैं तो इनका बिहेवियर नॉन लिविंग की तरीके से होता है। ये ऐसा मतलब बिहेव कर रहे होते हैं जैसे नॉन लिविंग थिंग डेड थिंग होती है। ना इनमें कोई इंटरमोलिकुलर मूवमेंट होता है, ना कुछ ये अपनी बॉडी के अंदर ले रहे होते हैं, ना कुछ एक्सक्रिएट कर रहे होते हैं। मतलब जिस तरीके से एक नॉन लिविंग थिंग एक मुर्दा चीज़ होती है उसी तरीके से ये बिहेव करते हैं। लेकिन यही वायरसेस को अगर मौका मिल जाए किसी के बॉडी के अंदर घुसने का, किसी इंसान के बॉडी के अंदर घुसने का मौका मिल जाए इन वायरसेस को, तो अंदर जाते ही भैया इनमें बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, एक्टिव हो जाते हैं, इधर उधर मूव करना शुरू कर दिया, एक्सक्रिएट करना शुरू कर दिया, इनटेक करना शुरू कर दिया। तो बात समझ में आई? जब ये बाहर पड़े हुए थे इन्वायरमेंट में तो इनमें कोई मूवमेंट नहीं था, कोई एक्टिविटी नहीं थी, बिल्कुल नॉन लिविंग थिंक की तरीके से बिहेव कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये किसी की बॉडी के अंदर गए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, चलने फिरने लगे, खाने पीने लगे। तो ये ना लिविंग थिंग है ना नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज़म की कैटेगरी से थोड़ा साइड रखा जाता है और इन पे डिबेट्स चलते रहते हैं अक्सर। आगे देखें क्या है हमारा टॉपिक। अब हमें पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स रहते कहाँ हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स लिव। ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हम टर्म पढ़ रहे हैं ये रहते कहाँ हैं? तो बच्चा, इनका कोई फिक्स जगह नहीं होता है रहने का। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बहुत हॉट कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं, बहुत गर्म जगहों पर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो बहुत ठंडी जगहों पर सर्वाइव कर जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे भी होते हैं जो अकेले सर्वाइव करते हैं। तो इनके जो रहने का तरीका है या फिर इनका जो रहने का जगह है वो फिक्स नहीं है, ये कहीं भी रहते हैं। कोई पार्टिकुलर एड्रेस नहीं होता है इनका कि अगर आपको मिलने जाना है माइक्रो ऑर्गेनिज़म से तो एड्रेस ले लो कि हाँ भैया वो वहीं रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका कुछ भी डेफिनेट नहीं होता। फिर अब हम देखेंगे इस चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एक तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं और एक तरीके से हमारे लिए नुकसानदायक भी हैं।
सबसे पहले देखेंगे हम ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमको किस किस तरीके से फ़ायदा देते हैं, उसके बाद देखेंगे हमको क्या क्या नुकसान है इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स से। तो चलिए देखते हैं फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जो हम दही खाते हैं, दूध से दही बनाकर खाते हैं, वो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की बदौलत ही पॉसिबल है। कैसे? दही में पाया जाता है एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस नाम का। ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड के लिए। जब आपको दही खानी होती है तो क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, दूध लेती हैं बहुत सारा, उसमें थोड़ी सी दही डालती हैं, हल्की सी दही डालेंगी और उसको रात भर के लिए बर्तन को रख देती हैं कि अगली सुबह दही जम जाएगा। अब रात भर में क्या होता है, वो जो हल्की सी दही हमने डाल रखी होती है उसमें पाया जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब वो रात भर चलता फिरता है, अपने बहुत सारे बच्चे प्रोड्यूस कर देता है, एक ही रात में हज़ारों लाखों बच्चे प्रोड्यूस कर देता है अपने। और वो जो सुबह दूध था, जो हमने दूध बना के रखा हुआ होता है, अगली सुबह वो दही बन जाता है। बात समझ में आई? इस लैक्टोबैसिलस के मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से ही दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड के लिए? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। अब हमें देखना है दूसरा फ़ायदा जो कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म से उठाते हैं, वो ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म से ही चीज़ बनता है, पनीर बनता है, और पिकल्स, अचार भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की हेल्प से बनते हैं। फिर हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म का इस्तेमाल ब्रेड बनाने के लिए करते हैं। ब्रेड बनाने का क्या प्रोसेस होता है? आप ब्रेड के लिए आटा गूंथ के रखते हो, डो बना के रखते हो, उसमें हल्का सा ईस्ट मिलाते हैं, आटे को कवर करते हैं, बर्तन को कवर करते हैं और उसको रख देते हैं रात भर के लिए। अब रात में क्या होता है, वो ईस्ट जो हमने उसमें हल्का सा डाला है, ईस्ट मूव करता है, रिप्रोड्यूस करता है, रिस्पायर करता है और इन्हीं सारे प्रोसेसेस में रिलीज़ होती है गैस। क्या नाम है गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही वो ब्रेड, वो आटा जो हमने रखा है, डो रखा हुआ है, वो स्वेल कर जाता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और सुबह उसका इस्तेमाल हम ब्रेड बनाने के लिए करते हैं। बात समझ में आई? डो का वॉल्यूम किस गैस की वजह से इंक्रीज हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। और ब्रेड बनाने के लिए क्या यूज़ किया हमने? ईस्ट का इस्तेमाल किया था। ये दोनों चीज़ माइंड में रखनी है। ईस्ट का यूज़ किस में करते हैं? ब्रेड बनाने के लिए। और ब्रेड बनाने के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम जो यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म का, वो अल्कोहल बनाने के लिए, विनेगर बनाने के लिए और वाइन बनाने के लिए करते हैं। माइंड में क्या रखना है? विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। अब हमने अल्कोहल, वाइन और विनेगर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया? ईस्ट का इस्तेमाल किया। जी हाँ, जो इससे पहले हमने ब्रेड बनाने के लिए जिस ईस्ट का इस्तेमाल किया है, वही ईस्ट हमारा वाइन बनाने के लिए, विनेगर बनाने के लिए और अल्कोहल बनाने के लिए भी यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है ईस्ट का? कोई भी मीठी चीज़ लेके रख लेते हैं, जैसे वाइन बनाने के लिए यूज़ होता है आपका ग्रेप्स, अंगूर, शुगर केन के जूस, गन्ने के जूस जो होते हैं, उसको बर्तन में करके रखेंगे। शुगर केन का जूस लिया, उसको बर्तन में करके रखा, उसमें हल्का सा ईस्ट डालेंगे और उसको कई दिनों तक के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, उसको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं हम बेसिकली। ईस्ट वहाँ पर रिप्रोड्यूस करेगा, जो गन्ने का नेचुरल शुगर होता है, जो गन्ने की नेचुरल मिठास होती है, वही मिठास कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में। जो शुगर होती है गन्ने की या ग्रेप्स की, वही कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल की, उसी की वजह से इनका फॉर्मेशन होता है। वाइन, अल्कोहल या विनेगर का जो फॉर्मेशन होता है, इसी प्रोसेस की वजह से होता है, क्योंकि उनके जो नेचुरल शुगर्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कोहल में, और इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन। बात समझ में आई? फर्मेंटेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ शुगर इंटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन, और इसी फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से अल्कोहल बनता है, वाइन बनता है और विनेगर बनता है। अब ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, ये डिस्कवर किया गया था लुईस पाश्चर के द्वारा 1857 में। इन्होंने फर्मेंटेशन का डिस्कवरी किया।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटीबायोटिक्स। हमने क्या क्या किया, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से कर्ड बना लिया, ब्रेड बना लिया, अल्कोहल भी बना लिया, विनेगर बना लिया। अब हम इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल एंटीबायोटिक बनाने के लिए भी करते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनका इस्तेमाल हम बीमारी को रोकने के लिए या फिर बीमारी को ख़त्म करने के लिए करते हैं। मेडिसिंस यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स किसकी मदद से बनते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ही बनते हैं। और कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स के नाम दिए गए हैं, आपको वो माइंड में रखना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये तीनों कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं। समझ में आया एंटीबायोटिक क्या है? ऐसी दवाइयाँ जिनका इस्तेमाल हम बीमारी को ख़त्म या रोकने के लिए करते हैं उन्हें एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटीबॉडीज। हमने एंटीबायोटिक्स बना लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, अब हम बनाएंगे वैक्सीन। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वैक्सीन्स भी बनते हैं। ये वैक्सीन टर्म लास्ट कुछ ईयर्स में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा है। अब हम देखेंगे किस तरीके से बनती है वैक्सीन। देखो, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुसता है, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी फैलाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री करता है, तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए केमिकल प्रोड्यूस करती है। उन्हीं केमिकल्स को कहा जाता है एंटीबॉडीज़। समझ में आ रही है बात? एग्जाम्पल से समझो, अगर मैं हूँ और मेरी बॉडी में एक डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मान लो कोरोना वायरस, आके मेरी बॉडी में घुस रहा है, तो क्या मेरी बॉडी ऐसे ही अपने आप को छोड़ देगी कि लो खाओ मुझे, कोरोना आओ खाओ मुझे? नहीं ना, हमारी बॉडी उसके ख़िलाफ़ लड़ने की कोशिश कर रही होगी। जितनी इस बॉडी की हिम्मत होगी उतना वो कोशिश करेगी उस वायरस से लड़ने की। और इस लड़ाई भिड़ाई में हथियार की ज़रूरत पड़ने वाली है, बिना हथियार के तो लड़ेंगे नहीं। तो हमारी बॉडी का जो हथियार होता है वो होता है केमिकल, और उस केमिकल को हम कहते हैं एंटीबॉडी। यही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होता है वायरसेस या किसी भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए। अगर हमारा एंटीबॉडी पावरफुल होता है तो हम उस वायरस को हरा के भगा देते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। और अगर हमारा एंटीबॉडी जो है वो लो, थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, तो वायरस हम पे हावी हो जाता है और हमारी जान ले लेता है या हमें अच्छी तरीके से बीमार कर देता है। जब हमने उस वायरस को हरा कर भगा दिया होता है, हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की पावरफुल और उस वायरस को भगा दिया, फिर क्या होता है? देखो, वो एंटीबॉडीज़ सेव करके हमारी बॉडी में रख लिया जाता है ताकि कहीं वही वायरस दोबारा ना हम पर अटैक करने की कोशिश करे। भाई, दुश्मन है हमारा, तो हो सकता है इस बार हार गया हमसे, अगली बार दोबारा ज़्यादा पावरफुल होकर अटैक करे हमारे ऊपर। तो इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, वो हथियार, वो एंटीबॉडी को बचा के रख देती है कि दोबारा से अटैक करेगा तो दोबारा से हम मज़ा चखा कर भेजेंगे उसको। यही फंडा होता है वैक्सीन का। कैसे बनाई जाती है वैक्सीन? वैक्सीन में वायरस लिया जाता है, लेट्स से कोरोना वायरस है, उसको बहुत ज़्यादा वीक कर दिया जाता है, इतना वीक कर दिया जाता है कि हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा पाए। उसको वीक किया जाता है और इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में उस वायरस को एंट्री की कराई गई। जब वो वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारी बॉडी क्या होती है, हमारी बॉडी को अलर्ट मिलता है कि यार वायरस आ गया है, कोरोना वायरस इंटर कर चुका है हमारी बॉडी में, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करो। अब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लगती है उस वायरस के लिए, उस कोरोना के लिए। वो तो भैया पहले से वीक था, वो वायरस पहले से ही वीक करके रखा हुआ था डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने। जब वो वायरस वीक था तो उस पर एंटीबॉडीज़ ने क्या किया, उसको हरा कर जल्दी से दफ़ा कर दिया। लेकिन फ़ायदा कहाँ हुआ? फ़ायदा ये हुआ हमारा कि हमारे बॉडी में कोरोना के लिए पहले से ही एंटीबॉडीज़ तैयार हो गई है। अब अगली बार कहीं रियल वाला कोरोना अटैक करेगा तो हमारी बॉडीज़ के पास हथियार होगा, बॉडी के पास हथियार होगा कि उस असली वाले कोरोना को भी हरा कर भगा दे। समझ में आई बात? फंडा समझ में आया पूरा? वैक्सीन असल में वही वायरसेस होते हैं, बस उनको वीक करके डाला जाता है हमारी बॉडी में ताकि हमारी बॉडी पहले से ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर ले। और जब रियलिटी में वो वायरस हमारे अंदर कभी फ्यूचर में आए तो हमें एंटीबॉडीज़ बनाने में टाइम ना वेस्ट करना पड़े हमारी बॉडी को, और तुरंत ही अटैक कर दिया जाए।
फंडा समझ में आया। अब हम कुछ ऐसी डिजीजेस का नाम पढ़ेंगे जिनको वैक्सीनेशन से रोका जा सकता है। वो डिजीजेस हैं कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस। ये चारों ऐसी डिजीजेस हैं जिनको वैक्सीन से रोका जा सकता है। आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन डिस्कवर की थी। स्मॉल पॉक्स चेचक को कहते हैं जिसमें फेस या पूरे बॉडी पे दाने टाइप का निकल जाता है। तो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन डिस्कवर की थी एडवर्ड जेनर ने, ध्यान रखना स्मॉल पॉक्स, 1798 में। फिर आपको एक टर्म लिखा हुआ पल्स पोलियो प्रोग्राम। पल्स पोलियो प्रोग्राम एक वैक्सीनेशन कैंपेन है पोलियो के खिलाफ। इस प्रोग्राम में बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं ताकि उनको पोलियो से बचाया जा सके। समझ में आई बात? अब आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, क्या क्या हमने पढ़ लिया। यूजेस कार्ड बना लिए, एंटीबॉडीज़ बना ली, एंटीबायोटिक्स बना लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। अब कुछ और यूजेस बचे हुए, लास्ट फ्यू यूजेस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी मदद से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है। कैसे इंक्रीज़ होती है? कुछ ऐसे बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं एटमॉस्फेयर में, जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड में और उसको मिट्टी में मिला देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है। ये टॉपिक आपको लास्ट में डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से एटमॉस्फेयरिक नाइट्रोजन कंपाउंड नाइट्रोजन बनता है और उससे सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज होती है, इसी चैप्टर में हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं। ये जो माइक्रोब्स होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, उनको नाम दिया गया है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो एटमॉस्फेयरिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड नाइट्रोजन में बदल रहे हैं, उनको नाम दिया गया है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स का। एग्जाम्पल है राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया का नाम है जो एटमॉस्फेयरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक और यूज़ है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ही होते हैं जो हमारे आसपास की सड़ी गली चीज़ें जो होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। जितना भी हमारे आसपास चीज़ें सड़ रही होती हैं, गल रही होती हैं, डिकम्पोज होती हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की मदद से ही पॉसिबल होती है। अगर कोई डेड बॉडी है, किसी एनिमल की डेथ हो जाती है, डेड बॉडी पड़ा हुआ होगा, तब देखोगे कुछ टाइम बाद गलना स्टार्ट होती है वो, और थोड़े टाइम बाद ख़त्म हो जाता है, उसमें हड्डी बचता है, फिर हड्डी भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो ये कैसे एक खड़े से जानवर को, उसकी पूरी डेड बॉडी को मिट्टी में मिला दिया जाता है, ये पॉसिबल है मनली ड्यू टू माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। वही लोग डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें सड़ती गलती हैं, मिट्टी में मिलती हैं, दे आर मनली ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक हमारा क्या है नेक्स्ट। अब हमने यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पढ़ लिए, अब हमें देखने हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स किस तरीके से हमारे लिए नुकसानदायक हैं। सबसे पहला जो हार्म है माइक्रो ऑर्गेनिज़म से हमें, वो है बीमारी। इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जो हमारे अंदर बीमारी फैलाते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हमारे अंदर बीमारी फैलाते हैं, उनको स्पेशल नाम दिया गया है पैथोजेंस का। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो बीमारी फैलाते हैं उनको पैथोजेंस कहते हैं। अब जो डिजीज़ होती हैं, माइक्रोबियल डिजीज़ होती हैं, वो इन्फेक्टेड पर्सन से, बीमार इंसान से हेल्दी इंसान तक पहुंच सकती हैं। हवा से, पानी से, खाने से, टच से, फिज़िकल कोई भी टच होता है उससे भी हेल्दी पर्सन बीमार हो सकता है। ऐसी बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच जाएं, हवा, पानी, खाना या फिज़िकल टच से, ऐसी बीमारियों को नाम दिया जाता है कम्युनिकेबल डिजीज़ का। समझ में आई बात? ऐसी डिजीज़ जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैले, उन्हें साइंटिफिक टर्म में कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल है आपका कॉलेरा। कॉलेरा एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कॉमन कोल्ड, जो ठंड लगती है हमें, सर्दी होती है, वो भी कम्युनिकेबल है। चिकन पॉक्स भी कम्युनिकेबल है। टीबी भी कम्युनिकेबल है। तो ऐसी डिजीज़ से आपको क्या होना होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे बच के रहना होता है। बचपन में होता था ग्रुप्स में कि किसी को अगर चिकन पॉक्स निकल के आ गया तो मम्मी, घर वाले सब क्या करते हैं, डांटते हैं,
कि नहीं जाना है उसके पास, तुम्हें भी हो जाएगा। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं। अब बीमारी को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या है, कुछ कैरियर्स की ज़रूरत होती है। तो कुछ कीड़े ऐसे होते हैं ना जो कैरियर का काम करते हैं, बीमारी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाते हैं, कैरियर का काम करते हैं कुछ कीड़े। एग्जाम्पल हैं आपका मक्खी और मच्छर, सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं मक्खियाँ मच्छर जो हैं एक जगह से दूसरी जगह बीमारी को उठा के लेके जाते हैं। जैसे मलेरिया है, मलेरिया डिजीज़ जो है बीमारी जो उसको एक मच्छर ट्रांसफ़र कर रही होती है। मच्छर का नाम है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। क्वेश्चन बहुत बनता है, मलेरिया कौन ट्रांसफ़र कर रहा होता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। डेंगू को एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाता है, डेंगू का कैरियर कौन है, डेंगू का कैरियर है फीमेल एडिस मॉस्किटो। नाम दोनों का ध्यान रखिएगा। मलेरिया का कौन कर रहा होता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, और डेंगू का कैरियर कौन है, फीमेल एडिस मॉस्किटो। फिर आपका इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर की थी 1929 में। क्वेश्चन बन सकता है, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन विच ईयर पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड, 1929, इसको ध्यान रखिएगा। फिर हमें देखना है कुछ इम्पॉर्टेंट बीमारियाँ, और वो बीमारियाँ किन की वजह से होती हैं। कोल्ड, ठंड जो लगती है वो किसकी वजह से होता है, वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस की वजह से होता है, चिकन पॉक्स वायरस की वजह से होता है, मीजल्स वायरस की वजह से होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखिएगा कौन किसकी वजह से होता है। आपको क्वेश्चन पूछ लिया चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन में बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ फंगी, तो आपको पता होना चाहिए ना चिकन पॉक्स किस कौन करता है, वायरस की वजह से फैलता है। फिर आप नेक्स्ट देख लो, ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया। कॉलेरा बैक्टीरिया, टाइफॉइड बैक्टीरिया। स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। प्रोटोजोआ की वजह से क्या क्या होता है, प्रोटोजोआ की वजह से डाइसेंट्री होता है और मलेरिया होता है। मलेरिया जो डिजीज़ है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। क्लियर है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक। फिर हम देखेंगे कुछ कैटल डिजीज़, हमने इंसानों में वो बीमारियां पढ़ी अभी जो इंसानों में फैलती थी, लेकिन अब कुछ ऐसे डिजीज़ जो हैं जो कैटल्स में होती हैं, एनिमल्स में होती हैं। पहला डिजीज़ है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स डिजीज़ किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। एंथ्रैक्स डिजीज़ कुछ इस तरीके से दिखता है, जानवरों में होगा जो हमारे चौपाए होते हैं, गाय भैंस बकरी भेड़, ये सब चौपाओं में ऐसे एंथ्रैक्स डिजीज़ होता है। उनके चमड़े स्किन जो है वो डैमेज होने लगती है। इस एंथ्रैक्स डिजीज़ किसकी वजह से कॉज हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से। उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। अगर आपसे पूछे एंथ्रैक्स डिजीज़ किस बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है, तो वो है बैसिलस एंथ्रासिस। इस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोच ने 1876 में। बैसिलस एंथ्रासिस को डिस्कवर किया है रॉबर्ट कोच ने 1876 में। समझ में आई पहली डिजीज़ एंथ्रैक्स। फिर सेकंड डिजीज़ है आपका फूट एंड माउथ डिजीज़, ये भी चौपाओं में होता है, हमारे गाय भैंस जो होती हैं उनमें होता है। माउथ डिजीज़ होता है, उनके माउथ में दिक्कत होने स्टार्ट हो जाती है, और उनके पैरों में जो फूट्स होते हैं वो सड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ये फूट एंड माउथ डिजीज़ किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। ठीक है, फूट एंड माउथ डिजीज़ किसकी वजह से हो रहा है, जानवरों में वायरस की वजह से हो रहा है। फिर हम देखेंगे कुछ प्लांट डिजीज़, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कुछ प्लांट डिजीज़ होती हैं, जानवरों में देख लें इंसानों में देख लें। अब प्लांट्स को क्यों छोड़ेंगे भैया, ये प्लांट्स के पास भी पहुंच गए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। पहली बीमारी है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। इस तरीके से दिखता है सिट्रस कैंकर, फल ख़राब होना स्टार्ट होता है। फिर आपका है रस्ट ऑफ वीट। रस्ट ऑफ वीट दूसरी बीमारी है, ये किसकी वजह से हो रही है, फंगी की वजह से। इस तरीके से दिखता है रस्ट ऑफ वीट, जो आपके वीट होते हैं, वीट की फसल होती है, उन पे रस्ट की तरीके से लेयर जमने लगता है और फसल ख़राब हो जाती है। रस्ट ऑफ वीट को कॉज कौन करता है, फंगी करता है। फिर तीसरी बीमारी येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, ये बीमारी भिंडी में पाई जाती है, भिंडी को ओकरा के नाम से भी जानते हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है, वायरस की वजह से होता है। कुछ इस तरीके से होता है येलो वेन ऑफ मोज़ेक, भिंडी का जो पौधा है वो येलो होना स्टार्ट हो जाता है, और जो फल होते हैं भिंडी की सब्जियां वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाती हैं, येलो हो जाती हैं, और उनके साइज़ काफ़ी छोटे रह जाते हैं। ठीक है,
सिट्रस कैंकर किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। रस्ट ऑफ वीट किसकी वजह से? फंगी की वजह से। येलो वेन ऑफ मोज़ेक किसकी वजह से? वायरस की वजह से। आगे देखें, फिर हमारा टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। ये बीमारियां तो देख ली हमने कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बीमारी हो रहे होते हैं। फिर दूसरा जो नुकसान है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो ये है कि यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खानों को सड़ाते हैं। जो खाने हमारे डैमेज होते हैं, सड़ते हैं इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से होते हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अनजाने में या अवेयरनेस में क्या करते हैं, सड़े हुए स्पॉइल्ड फूड को खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो ये फूड पॉइजनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फूड पॉइजनिंग के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वही खाने को स्पॉइल्ड करते हैं और हम अनजाने में या अनअवेयरनेस में उन अनस्पॉइल्ड खानों को खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाता है। फूड पॉइजनिंग क्यों होता है? सड़े गले खाना खाने की वजह से। फिर आपको देख लो, हम फूड पॉइजनिंग से कैसे बच सकते हैं या फिर हम अपने खानों को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। हम ऐसे क्या क्या तरीके अपना सकते हैं जिसकी वजह से हमारे फूड आइटम्स लंबे समय तक चलें और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स उनको डैमेज ना कर पाएँ। सबसे पहला चीज़ है आप सॉल्ट, नमक का यूज़ करो। जो हमारे घरों में नमक होता है उसका इस्तेमाल करके हम खानों को थोड़े लंबे समय तक चला सकते हैं। फिर आपका होता है एडिबल ऑयल्स, तेल का इस्तेमाल करके खानों को प्रिजर्व किया जा सकता है। एग्जांपल आप देखना, अचार, अचार जो होता है आपके घरों में, मम्मी क्या करती है उसमें बहुत सारा ऑयल डाल के रखती है। ऑयल क्यों डाला जाता है? ताकि वो अचार ख़राब ना हो, प्रिजर्व करने के लिए अचार में ऑयल डाला जाता है। उसी तरीके से साल्ट भी डाला जाता है बहुत सारी चीज़ों में। ये सॉल्ट्स और एडिबल ऑयल्स को प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। प्रिजर्वेटिव्स क्या होंगे? कोई भी ऐसा केमिकल जिसका इस्तेमाल किया जाए खाने को सड़ने से बचाने के लिए, कोई भी ऐसा केमिकल जिसका इस्तेमाल खाने को सड़ने से बचाने के लिए किया जाता है, उसको हम प्रिजर्वेटिव कहते हैं। तो हमारा कॉमन प्रिजर्वेटिव जो है वो सॉल्ट है और एडिबल ऑयल है, तेल। कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के नाम दिए गए हैं आपको, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, ये सारे भी प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है खाने को बचाने के लिए। इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? जैम्स, जैम वगैरह जो हम खाते हैं ना, ब्रेड में जैम लगा के, वहाँ पे इन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर शुगर, चीनी, चीनी भी फूड प्रिजर्वेटिव के तरीके से काम करता है। इसको जब हम जैम बनाते हैं, जेलीज बनाते हैं, शुगर डालते हैं और शुगर वहाँ पे एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है। प्रिजर्वेटिव तो समझ में आया ना, ऐसे केमिकल्स जो खाने को सड़ने से बचाएं उन्हें प्रिजर्वेटिव कहेंगे। तो कॉमन प्रिजर्वेटिव क्या थे? साल्ट था, ऑयल था, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट और शुगर भी। फिर आपका कॉमन है विनेगर, विनेगर सिरका जो होता है, ये भी फूड प्रिजर्वेटिव की तरीके से काम करता है। इसको अचार वचार में डाल के रखते हैं विनेगर को। फिर आप जो दूसरा तरीका लगा सकते हो, पहला तरीका क्या देख लिया हमने, प्रिजर्वेटिव्स डाल के खाने को सड़ने से बचाया जा सकता है। अब दूसरा तरीका है हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब देखते होगे दूध आपके घर पे आता है, दूध क्या करते हैं, उबाल के रखते हैं, बॉयल करके रखते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी नहीं ख़राब होता है। तो हॉट ट्रीटमेंट दे के हम खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जिसको हम फ्रिज में डालते हैं कि वो ख़राब ना हो, ठंडा करते हैं उसको। तो कोल्ड ट्रीटमेंट देके भी बहुत सारे फूड आइटम्स को बचाया जा सकता है। एक और तरीका है फूड प्रिजर्वेशन का, जिसको कहते हैं पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन यूज़ करते हैं मिल्क की पैकिंग के टाइम पे। जो आपको बाज़ार में दूध मिल रहे होते हैं पैकेट में, क्या करते हैं उस दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे उबालते हैं। 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पे उस दूध को उबाल देंगे और उबाल देने के बाद उसको बहुत ठंडी जगह पे रख देंगे। मतलब तुरंत उसको गर्म किया और तुरंत ही उसको बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे रख दिया आपने, तो जिसकी वजह से उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जो दूध को ख़राब कर सकते थे वो ख़त्म हो जाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पाश्चराइजेशन। क्या होता है पाश्चराइजेशन का प्रोसेस? मिल्क को 70 डिग्री पे हीट करना लगभग 15 से 30 सेकेंड के लिए और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा चिल कर देना, कहलाता है पाश्चराइजेशन। फिर आप जो तरीका यूज़ कर सकते हो खाने को प्रिजर्व करने के लिए वो है स्टोरेज एंड पैकिंग। ढंग से अपने खानों की पैकिंग करके या स्टोरेज करके भी खानों को सड़ने से बचाया जा सकता है। जैसे चिप्स आता है आपका,
चिप्स में कितने कितने दिनों तक ऐसे पड़ा हुआ होता है चिप्स, लेकिन वो ख़राब नहीं होता क्योंकि उनकी पैकिंग बहुत अच्छे से की जाती है, उनमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं ताकि वो चिप्स ख़राब ना हो। तो आप अच्छे से स्टोरेज और पैकिंग करके भी अपने खानों को बचा सकते हो। हमने क्या क्या देखा, प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करेंगे, केमिकल्स यूज़ करके हम अपने खानों को बचा सकते हैं, प्लस हॉट और कोल्ड ट्रीटमेंट दे के गर्म करके या खाने को ठंडा करके बचाया जा सकता है, दूध को पाश्चराइजेशन से बचाया जा सकता है, और ढंग की स्टोरेज और पैकिंग करके फूड को काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है। इतना क्लियर है? अब हमें समझना है नाइट्रोजन साइकिल। देखो ये जो साइंस के चैप्टर्स आपके अपलोड हो रहे हैं, ये एक सीरीज़ चल रही है AMU और जामिया के एंट्रेंस के लिए, आपकी ये सीरीज़ चल रही है जहाँ पे आपको क्लास 8 की सारी साइंस के चैप्टर्स मिलेंगे प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक करते रहना, फिर आप देखो नाइट्रोजन साइकिल में हमें क्या पढ़ना है। इसके पहले हमने थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। कैसे? एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको कंपाउंड नाइट्रोजन में बदल के सॉइल में मिला देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। हमने एक एग्जांपल पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में रहता है। ये है लेग्यूमिनस प्लांट। मटर हो गया, जो दाल की फसलें होती हैं उनको लेग्यूमिनस प्लांट कहा जाता है। उसके रूट नेड्यूल्स, ये रूट्स हैं, यहाँ पे बैक्टीरियाज रहते हैं। कौन से बैक्टीरियाज? राइजोबियम बैक्टीरियाज रहते हैं यहाँ पे। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, आसमान में जो नाइट्रोजन है उसको अब्जॉर्ब करते हैं और उसको मिट्टी में मिला देते हैं। फिर वही नाइट्रोजन का इस्तेमाल, जो मिट्टी में मिला हुआ नाइट्रोजन है, प्लांट उसका इस्तेमाल कर लेता है। एक बात ध्यान रखनी है, हम जो इंसान होते हैं ह्यूमन और प्लांट्स, वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते। जिस तरीके से राइजोबियम नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब कर ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से, हम इंसान या पौधे ऐसा नहीं कर सकते हैं। समझ में आई बात? नाइट्रोजन कैसे आ रहा है हमारे पास? राइजोबियम बैक्टीरिया इसके तरीके से, कुछ और बैक्टीरियाज होते हैं जो आसमान से नाइट्रोजन लेते हैं, उसको मिट्टी में मिला देते हैं, फिर प्लांट उस मिट्टी से उस नाइट्रोजन को लेके यूज़ करता है। और जो प्लांट्स को हम खाते हैं, उन प्लांट से सब्जियां निकलती हैं, उन प्लांट से फल निकलते हैं, वो जो फल या सब्जी हम खाते हैं, तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी नाइट्रोजन आ जाता है। हम कैसे नाइट्रोजन लेते हैं? डायरेक्ट अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। हम प्लांट की जो फल या सब्जी लेके खाते हैं वहाँ से हमें नाइट्रोजन मिलता है। प्लांट को कहाँ से मिलता है? ज़मीन से मिलता है, जो राइजोबियम ने कन्वर्ट करके डाला हुआ होता है। तो इस तरीके से पूरा एक साइकिल चलता है एटमॉस्फेयर का, सॉरी नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन देखो एटमॉस्फेयर में कितने परसेंटेज में पाया जाता है? 78% में पाया जाता है, और ये हमेशा 78% ही रहता है। एक साइकिल चलता है नाइट्रोजन साइकिल। साइकिल को समझने के लिए आपको एक बार देखो, हमने क्या देखा, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, सॉइल में मिलाता है, फिर उस सॉइल में से प्लांट को जाता है नाइट्रोजन, प्लांट से इंसानों में जाता है थ्रू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब वो इंसान मर गया या जानवर मर गया, जब मर जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है, डिकम्पोज होती है, और हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन मौजूद होता है वापस आसमान में चला जाता है, फिर आसमान से कोई राइजोबियम उसको एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरीके से पूरी साइकिल चलती रहती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन हमेशा 78% बना हुआ होता है एटमॉस्फेयर में। पूरा समझ में आया नाइट्रोजन साइकिल? आई होप क्लियर होगा। फिर लास्ट में आपको हमने कुछ इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम दे रखे हैं। पहला है एल्गी। एल्गी में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम बुक में हैं, इम्पॉर्टेंट है। स्पायरोगायरा, AMU के एंट्रेंस में पूछ चुका है कि स्पायरोगायरा क्या है, व्हाट इज़ स्पायरोगायरा। तो आपको ऑप्शन में एल्गी दिया था, प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया, तो आपको पता होना चाहिए ना स्पायरोगायरा क्या है। एल्गी है, एल्गी की एक कैटेगरी है। फिर है क्लैमिडोमोनस। क्लैमिडोमोनस किसकी कैटेगरी में आता है? ये भी एल्गी है। अमीबा क्या है? अमीबा एक प्रोटोजोआ है। पैरामीसियम क्या है? ये भी एक प्रोटोजोआ है। फिर ब्रेड मोल्ड फंगी है।
पेनिसिलियम क्या है, फंगी है, एस्परगिलस क्या है, फंगी है, और आपने कुछ नाम पढ़ रखे हैं, राइजोबियम लैक्टोबैसिलस जो कि आपने देखा वो बैक्टीरिया के नाम थे। ये इसको क्लियर रखना कि कौन क्या है, ये डीप क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो ये था आपका पूरा चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हों प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।